वेलकम टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। दोस्तों, आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में हम जानने वाले हैं भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। हाल ही में तो नहीं बल्कि होली के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है फसल और फिल्म की स्टार कास्ट में है दिनेश लाल यादव, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और छोटी। फिल्म को रिलीज किया गया था बॉक्स ऑफिस पे 25 मार्च को तकरीबन 17 स्क्रीन्स पे और ये साल की मच अवेटेड फिल्म थी। जैसे फिल्म का नाम था फसल और उसी तरह का फिल्म का कॉन्सेप्ट था। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और इस तरह की फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रही थी कि किसी किसान को लेकर फिल्म बनाई हो। फिल्म को डायरेक्ट किया था पराग पाटिल ने और फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रेम राय ने और ये प्रेम राय की प्रोडक्शन की साल की पहली फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं फिल्म के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म रिलीज हुई है कभी खुशी कभी गम, बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही और उस फिल्म को रिलीज किया गया बॉक्स ऑफिस पर 25 थिएटर्स में। तो फसल ने लाइफ टाइम पर कमाई की है बॉक्स ऑफिस पे 19 लाख रुपए। साथ ही फिल्म का बजट था 1,60,00,000 रुपए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हो चुकी क्योंकि फिल्म को काफी छोटी रिलीज मिली थी और 17 स्क्रीन्स पे रिलीज करके कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म से 2 या 3 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता और यही रीजन था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर रही। जल्दी ये फिल्म आपको टेलीविजन पे देखने मिलेगी। तो क्या आपने फिल्म देखी है? क्या आपको फसल पसंद आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस या फिर किसी लेटेस्ट जानकारी में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।